भी हो। कहा जाता है कि छोटी सोच और पैर का मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। क्योंकि इस प्लान के अंदर दो ही लाइन का प्लान है। आप ट्रक देखेंगे ना, ट्रक एक 16 चक्का ट्रक होता है, वैसे हमारा वहां 16 लाइन का प्लान था, सही है ना। और जब चक्का पंचर हो जाता है तो उतर के नीचे चेक करना पड़ता है ना, हथौड़ी मार मार के कि कौन वाला पंचर हुआ। वहां भी 16 लाइन में ए जाइए, बी ठंडा, बी में जाइए, सी ठंडा, सी में जाइए, डी ठंडा, 300 दिन दौड़ते रहिए। यस या नो? यहां दो लाइन का प्लान है। जैसे आपकी बाइक है कि अगर कोई आगे पीछे पंचर हो गया तो बैठे बैठे चेक कर लो कौन वाला पंचर। इट्स 2:45 PM यस सर, नोटिफिकेशन नहीं भाई। ओके, तो यहां पे दो ही लाइन का प्लान है, ठीक ना। इस प्लान के अंदर ब्यूटी यह है कि अगर इस प्लान के अंदर आप बस एक काम करिए, अपने नीचे एक लाइन में पांच लोगों को, एक लाइन में पांच लोगों को अपने जैसे ड्रीमर तलाश लेंगे, और उनके साथ ए और बी में बिना या बुरा गणित लगाए कि मैं ही सारा मेहनत कर रहा हूं, अगला कम कर रहा है, डज नॉट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए उनके ए और बी में जाके आप काम करिए, उनको पैसा दिखाइए। अब जैसे आप उनको पैसा दिखाएंगे, मेरा आपसे दावा है वो इतना बड़ा आपका साथी साबित होगा, इतना बड़ा शागिर्द आपका साथ साबित होगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमेशा इवेंट प्रमोट करिए, उस सक्सेस सेमिनार के बारे में स्टोरी सुनाइए, और स्टोरी सुना करके आप उनको लाइए, एडिफाई करिए उस मीटिंग को, जबरदस्त एडिफाई करिए। करते 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 एक दिन आप इतना एक्सपर्ट हो जाएंगे ना कि आप 10 को बुलाएंगे, मेरा दावा है 20 आएंगे, 20 आएंगे। लेकिन उसके पहले आपको रेगुलर आना होगा। तो पहला चीज पेशेंस होना चाहिए, हमारे पास धैर्य होना चाहिए। दूसरा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लाइफ का, वह है एटीट्यूड, यानी कि नजरिया आपका पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा हर दुश्वारी से आपको कुछ न कुछ लेसन जरूर मिलता है, जो आपको लगता है कि मुझको नहीं मिला, मेरे साथ यह हादसा हो गया। सो आपको एक अच्छा मास्टरी प्लान, यानी प्लान में मास्टरी होना है। एंड नाउ यहां पे सबसे पहले गुड प्लानर होना चाहिए आपको। प्लानिंग की ओपनिंग और एक प्लान की क्लोजिंग होती है। जब आपने प्रविधा का प्रोफाइल बता दिया, प्रोडक्ट बता दिया, प्लान बता दिया, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्लोजिंग। तो मैं आपको 2 मिनट में क्लोजिंग सिखाने जा रहा हूं, जो मैं करता हूं क्लोजिंग। जानना चाहेंगे? वेरी गुड, बिकॉज आप सब लीडर्स हैं, आप भारत के भविष्य के, आप आने वाले भविष्य के लीडर हैं, क्योंकि आपके साथ लाखों लोग की लाइफ बदलने वाली है। यू आर नॉट एन इंडिविजुअल सिटिंग हियर, आप सब लोग वो शख्सियत बैठे हैं जो लाखों लोग की लाइफ बदलने वाले हैं। आप कोई आम आदमी नहीं है, आप खास आदमी हैं, जो 2 करोड़ की आबादी में से या 140 करोड़ की आबादी में से इस छत के नीचे आप बैठे हैं, आपको नसीब हुआ है। यू आर सो लकी पीपल इन दिस वर्ल्ड, नहीं तो हमने बहुत लोगों को बुलाया था, वो आज को नहीं बैठे ना यहाँ, आप बैठे हैं। रब आप पे मेहरबान है, और रब जिस पे कहते ना कि उसके बगैर पता नहीं होता, तो उसकी मर्जी है इसलिए आप बैठे हैं। उसकी मर्जी नहीं होती, दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ बैठा नहीं सकती। जब मैं प्लान दिखाता हूँ, होम मीटिंग करता हूँ, 1-to-1 उससे एक चीज पूछता हूँ,
क्या अगले 5 से 6 महीने में आप 25 से 30 हजार रुपया पार्ट टाइम में कमाना चाहते हैं तो क्या बोलने वाले हैं वो? जो आप काम कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन एक सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, उस सिस्टम से आसानी से आपके पास आने लगेगा। तो वो बोलते हैं यस। तो जैसे यस बोलते हैं, मैं उनको बताता हूं कि मेरे पास एक रोड मैप है और उस रोड मैप से आप ये कमा सकते हैं। एक सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, उस सिस्टम से आप आगे बढ़ सकते हैं। और उस सिस्टम का नाम है माई कमिटमेंट शीट। क्या नाम है? अपने आप में ही ये कमिटमेंट है कि मैं वादा करता हूं अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से, कि मैं काम प्रोफेशनल तरीके से करूंगा। तो उसको क्या बताता हूं कि भाई ये माय कमिटमेंट शीट है, इससे आपका अगले 5 से 6 महीने में 25 से 30 आएगा। बस ये छोटा सा होमवर्क आपको करना है 2 से 12 के बीच में। हमारी सीएससी कब चलती है? 2 से 12। और ये आपको वही करना है, क्योंकि मैं करता हूं, मेरे पास बैग में मेरा कमिटमेंट शीट है, मैं आपको दिखाता हूं, मेरा बैग यही है। मैं सबको जिनको मैंने स्पॉन्सर किया मैं उनको फोन करता हूँ कि आपकी खरीदारी हुई कि नहीं। बस सिंपल सा काम, देखो राज मोहम्मद लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने अपनी आईडी लिखी और यहाँ पे मैंने कितने की खरीदारी की। फिर मुझे शीट क्या बता रहा है, 4 लोगों को आपने हैंडल करना है, सिर्फ 4 लोगों को। तो मैंने यहाँ पर अमित जी हैं, उनका भरा, उनसे पूछा कितनी खरीदारी हुई, उन्होंने कहा इतने की, मैंने लिख दिया, डेट लिख दिया। फिर मैंने मनीष से पूछा, मनीष का लिख दिया। तो आप से बहुत सारे लोग मेरे को परिचित होंगे, कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे। तो मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है, पिछले 18 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं और मैं यूपी में एक शहर है बस्ती, तो वो मेरा नेटिव प्लेस है। और पिछले कुछ सालों से मैं लखनऊ में रहता हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के पहले मैं काम करता था एक फार्मा कंपनी के अंदर एज अ फसल मैनेजर। और नौकरी के दौरान, नौकरी करते करते एक बात समझ में आ गई थी कि शायद जो सपने हैं वो हमारे उस नौकरी से पूरे होने वाले नहीं हैं। एक ठीक ठाक पहने को कपड़ा और सेकेंड हैंड मारुति कार और एक लोन से 2 BHK, इतना तो मैं वहाँ कर सकता हूँ। और लेकिन जो मेरा ड्रीम है कि एक अपने पास बड़ा बंगला होना चाहिए, अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छी छुट्टियाँ बीतनी चाहिए, लाखों रुपये महीने की आमदनी होनी चाहिए, है ना, वो सारा सब कुछ तो शायद उस नौकरी से मुझे मिल नहीं सकता। ये बात नौकरी करते करते कुछ महीनों में और पहले 1-2 साल में समझ में आ गई थी। तो मुझे अपॉर्चुनिटी की तलाश थी और बहुत धीरे से ये अपॉर्चुनिटी दस्तक देती है आपके दरवाजे पर। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको समझ पाती या नहीं समझ पाते। तो मुझे बस में चलते चलते ये अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी ने बताया, मैंने इसको बहुत ध्यान से समझा, नहीं कि वो समझा बल्कि इसको मैंने करना शुरू किया पार्ट टाइम। कुछ टाइम के बाद मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में चलाया और पिछले लगभग 17-18 साल से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। 17 साल एक कंपनी के अंदर काम किया, वहाँ जो टॉप लेवल था उसको अचीव किया, एक अच्छी इनकम तक पहुँचा मैं, बहुत सारी गाड़ियाँ ली, बहुत बार फॉरेन ट्रिप किया, बड़ा घर बनाया, है ना। और एक टाइम ऐसा आया कि जब मुझे लगा कि यार शायद अब वहाँ पर ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं वहाँ पर जो आ रहा है उसको मेंटेन करता रहूँ, यानी कि मेंटेनेंस फेज में अपनी जिंदगी को निकालता रहूँ, क्योंकि वो जो आ रहा था ना बहुत कम में भी जो आ रहा था वो बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा वो शायद लाइफ ड्रीम होता है। और दूसरा था कि अगर मुझे लगता है अंदर से आवाज आती है कि मैं 0 से शुरू करके फिर से वापस कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो मुझे कुछ नई शुरुआत करनी चाहिए और वो शुरुआत करनी चाहिए जो आज के जमाने की हो, है ना। तो आज के टाइम का मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, आज के टाइम का प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी प्राइसिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर जो स्कीम्स आते हैं वो होने चाहिए, है ना। मैनेजमेंट उतना विजनरी होना चाहिए, उतनी एनर्जी उसके अंदर होना चाहिए। तो ये सारा सब कुछ देखते हुए आज के 13 महीने पहले हमने एक डिसीजन लिया और प्रोविडेंट इंडिया के साथ अपनी शुरुआत करी। और क्योंकि बात व्यापार की हो रही है, तो व्यापार में सफलता और असफलता आप कैसे आंकते हैं? आपकी आमदनी से, हाँ या ना? तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत डर के साथ में और बहुत भरोसे के साथ में मैंने इस व्यापार के अंदर 13 महीने पहले कदम रखा था। कुछ लोग मेरे साथ आए थे शुरुआत में, विरोध में बहुत सारे जनता खड़ी हो गई थी, साथ में कुछ लोग खड़े हो गए थे, पर मैं आज सबका शुक्रिया कहना चाहूंगा, आप सबका भी शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि मुझे सच में ये नहीं पता था कि ईश्वर इतनी मदद करेगा, इतनी ब्लेसिंग्स देगा, आपका इतना साथ मिलेगा और इतने कम समय में इतना कुछ बड़ा किया जा सकता है। तो आज जो प्रोविडेंट इंडिया के अंदर अगर मैं लेवल अचीवमेंट की बात करूँ, तो 12 महीने पूरे होने के बाद हमने एक सीट निकाली और मुझे जान के इतना आश्चर्य हुआ कि आज हमारे नेटवर्क के अंदर जो केवल 13 महीने पुराना है, 1000 से ज्यादा लेवल अचीवर हो चुके हैं, यानी कि स्टार एग्जीक्यूटिव से लेके और क्राउन एग्जीक्यूटिव तक की अगर मैं बात करूं तो। एक बार जोरदार तालियां में चाहता हूं आप सबको।
ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि है। आज अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 25 लोग ऐसे हैं जिनका हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा का पे आउट बनते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर प्रोविडेंट के अंदर काम करते हुए। और आप में से भी कुछ लोग हैं जिनका पे आउट 1 लाख या 1 लाख के आसपास पहुंच गया। तो आप सोच के देखो, दो ऐसे हमारे लीडर हैं, अभी रमेश सर को आप सुन रहे थे, जो हर महीने इस व्यापार के अंदर काम करते हुए 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर पहुंच चुके। एक बार मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाइए। राज मोहम्मद जी ने केवल हमारे साथ में अपनी शुरुआत करी, मेरे ख्याल से ये छठा या सातवां छठो महीना है, सिक्स मंथ है ना। और कल हम साथ में थे जब हमारा पे आउट जो है वो अपलोड हुआ वेबसाइट के ऊपर, तो मैं इनसे पूछ रहा था कितना पे आउट आया। तो पिछले 2 महीने से एवरेज 3 लाख रुपए महीने के पे आउट पर ये पहुंच गए, यानी कि चौथे महीने से ही अपना पे आउट 3 लाख रुपए के आसपास ले रहे हैं। आप सोच के देखो, मतलब ये है दोस्त, ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस नहीं है, ये जीवन है। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। हो तो आप अपने आप से पूछना जरूर, बिल्कुल सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि अपने आप से पूछना, अपने आप को चेक करना। चलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक बार मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जो ग्रेट गुरु आए हुए हैं, रमेश सर के लिए, दिवाकर सर के लिए, एक बार जोरदार क्लैपिंग आप करें। सो हेलो फ्रेंड्स, सब लोग शरीफ बैक अगेन एंड आपको तो टाइम आपका अभी तक आपका 5 बजे के आसपास टाइम हो चुका है ऑलरेडी। एंड बाकी सेमिनार बहुत अच्छा गया आज का, आपने उसकी क्लिप्स देखी, व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया था, पहले तो सोचा कि 2 पार्ट लिखा दूँ, लेकिन फिर सोचा नहीं, सब कुछ एक ही पार्ट में लिखा देता हूँ। मैं फिर देखता हूँ अगर 2 पार्ट में आया होगा तो 2 पार्ट में आएगा, एक में आया तो एक में आएगा, क्योंकि व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं सोचा कि इसे 2 पार्ट करके डालूंगा तो आप अच्छे से देख भी लोगे। तो बाकी मैं होता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आज का सेमिनार का अच्छा लगा होगा। एंड एक अच्छे से बैकग्राउंड में आके व्लॉग को मैं थोड़ा सा एंड करूँगा, क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो मैं चाहता नहीं व्लॉग को बड़ा करना। सो ये आप देख सकते हो, ये पीछे हमारा स्टैचू के साथ एक पॉजिटिव नोट के साथ आज एक व्लॉग को एंड करेंगे। सो बाकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसे भी हालत आए, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कभी हार मत मानो, लाइफ में आगे बढ़ो और हिम्मत करो, आगे बढ़ो, हिम्मत को आगे बढ़ो। बिल्कुल लाइफ में इतने सक्सेस होंगे, आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, लेकिन इतने बिल्कुल जरूर होंगे, बस अपना बेस्ट दो। तो बाकी मैं लोग का एंड करता हूँ, सो क्योंकि वैसे मैं लोग को घर जाके एंड करता हूँ एक गुड नाइट के साथ, लेकिन ब्लॉग को हम मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, क्योंकि ब्लॉग का ऑलरेडी लेंथ मतलब वो बहुत बड़ा हो चुका है ऑलरेडी टाइमिंग, तो मैं चाहते नहीं ब्लॉग को और बड़ा करना। तो बाकी मैं होप करता हूँ फिर से अगेन मैं पूछता हूँ क्या को अच्छा लगा होगा, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लव मी। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना जो पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। तो बाकी हम ब्लॉग को एंड करते हैं, मैं गुड नाइट लभी से आपको बोल देते हैं। सो फ्रेंड्स कल मिलते हैं चलते चलते विद गेट हाई फाई।